वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कुकर आरती। आज हम अपनी रेसिपी लेके आ चुके हैं जिसमें बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जूसी चीज़ जिसका नाम है मालपुआ, जिसको आप अपने त्यौहार हो रहा है तो भी बना सकते हैं। कोई गेस्ट आ गया है और कोई मीठा चीज़ खानी है उसे, तो आप उनके लिए मालपुआ बना सकते हैं और ये बहुत जल्दी बन जाता है। तो चलिए देखते हैं घर पर मालपुआ कैसे बनता है। बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है इस चम्मच के बराबर 4 चम्मच मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, 1 कप दूध लिया है, इस चम्मच के ही बराबर मैंने यहाँ पे 1 चम्मच सूजी ली है, थोड़ी सी मलाई ली है और यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी ली है और ये इलायची पाउडर लिया है थोड़ा सा। पुए का बैटर बना लेते हैं। सो मैं एक कटोरा लूँगी जिसमें मैं सबसे पहले अपना मैदा डालूँगी। मैं इसमें सूजी डाल देती हूँ। सूजी ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्रिस्पी टेस्ट आ जाएगा मालपुए में, इसलिए मुझे सूजी डालनी है। और यहाँ पे मैंने 1 कप दूध दिया है जिसको मैं डाल दूँगी इसमें। हल्के हल्के दूध डालेंगे फिर मिलाएंगे, फिर डालेंगे फिर मिलाएंगे, एकदम से मत डालिएगा वरना आपके बैटर में लम्स आ जाएंगे। इसी प्रकार मैं इसे मिलाती जाऊंगी। मैं इसका एक ऐसा बैटर बना के तैयार करूंगी जिसमें ना ही तो कोई लम्स हो और ना ही तो ज्यादा पतला हो और ना ही तो ज्यादा गाढ़ा हो। आप लोग देख रहे हैं हल्के हल्के पतला होता जा रहा है। इसी प्रकार मैं इसमें और दूध डालूं। बैटर बन के रेडी हो चुका है और मेरा दूध इतना बच चुका है। और अब मैं इसमें लास्ट में आप मलाई डालिएगा, इसलिए मैं इसमें मलाई डाल दूंगी और इसे भी फेंट लूंगी अच्छे से। मलाई मिक्स कर लिया, अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तब तक आप अपनी चाशनी बनाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक भगोना लिया है, इसमें मैं चीनी डालूंगी। आधी कटोरी मैंने यहाँ पे पानी लिया है, जितनी मैंने चीनी ली थी उसका आधा। इसे मिक्स कर लूंगी और हम इसे तब तक ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे जब तक हमारी जो चीनी है वो घुल ना जाए। और जब आपकी चीनी घुल जाएगी तब हम थोड़ी देर इसे और पकाएंगे, फिर हम इसे उतार लेंगे गैस से। इसी प्रकार मैं इसे मिक्स करती रहूंगी। तो हमारी चीनी है वो घुल चुकी है, अब हम इसे थोड़ी देर और खुलाएंगे, फिर हम इसे गैस से उतार लेंगे। आप देख रहे हैं इसमें कैसा खोल आ रहा है, बनके रेडी हो चुकी है। चलिए अब अपने बैटर की तरफ चलते हैं। बैटर देख लेती हूँ, आप देख सकते हैं हमारा जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी भी आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम इसे तलेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, मेरी जो कढ़ाई है वो थोड़ी फैली लीजिएगा आप लोग, ताकि जो हमारे मालपुए हैं वो गोल बने। और मैंने यहाँ पे देसी घी ले लिया है, मैं देसी घी में अपने मालपुओं को तलूंगी। और पहले आप इसकी आँच को तेज़ रखिएगा ताकि हमारा जो देसी घी है वो अच्छे से गर्म हो जाए, फिर धीमी आँच पे हम अपने मालपुओं को तलेंगे। सो पहले मैं इसे गर्म होने दूंगी। गर्म हो चुका है और अब मैं इसकी आँच धीमी कर देती हूँ और अब मैं इसमें मालपुआ डाल के तलूंगी। और जब तक ये नीचे से अच्छे से सिक ना जाए तब तक मैं इसे पलटूंगी नहीं। आप इसे धीमी आंच पे ही तलिएगा, तेज़ आंच बिल्कुल भी मत करिएगा वरना आपके मालपुए जल सकते हैं।
हमारा जो मालपुआ है वो नीचे से सिकने लगा है, अब हम इसे पलट देंगे। अब देख सकते हैं इसका नीचे से हल्का सा कलर चेंज हो रहा है। इसी प्रकार मैं इसे तलूंगी। जब तक ये दूसरी साइड से भी अच्छे से कलर चेंज ना हो जाए मालपुए का, तब तक हम इसे इसी प्रकार ऐसे तलते रहेंगे। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारा मालपुआ जो है वो अच्छे से सिक गया है, इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। आप इसे इस प्रकार दबा के निकालिएगा ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा देसी घी है वो निकल जाए सारा इसमें से, और मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। सारे मालपुए बना के तैयार कर लेंगे। बन के रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम इसे चाशनी में डालेंगे। इससे पहले हम चाशनी में पहले इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जिससे कि हमारे इलायची पाउडर का जो चाशनी में फ्लेवर है वो अच्छे से आ जाए, और फिर हम इसमें मालपुए डालेंगे। हमारी चाशनी भी अच्छे से रेडी हो चुकी है, अब हम इसमें मालपुए डालेंगे। ऐसे ही मैं अपने सारे मालपुए इस चाशनी में डाल दूंगी और फिर मैं इसे 2-3 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी ताकि इसकी चाशनी जो है वो मालपुए में अच्छे से सोख ले। अब मैं इसे रख दूंगी। मालपुए ने अच्छे से चाशनी को सोख लिया है, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। को प्लेट में निकाल लिया, हम इसे बादाम से गार्निशिंग कर देंगे। सो गाइस हमने अपने मालपुओं की गार्निशिंग कर ली है और हमारे मालपुए बनके बिल्कुल रेडी हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारी वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके मालपुए कैसे बने थे और हमारे मालपुए कैसे बने थे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।